आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक करने के लिए एक जुटता मार्च रैली का आयोजन किया गया। अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं उपायुक्त राजेश्वर गोयल व अतिरिक्त उपायुक्त विनय दीवान ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। नारे तथा स्लोगन से बिलासपुर शहर में जागरूक रैली निकाली गई तथा लोगों को जागरूक किया गया। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त विनय दीवान ने बताया कि इस रैली में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं सदस्यों ने हिस्सा लिया। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एकजुटता मार्च का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को आपदाओं के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने आमजन से इसमें भाग लेने की भी अपील की तथा उन्होंने बताया कि आपदा से निपटने के लिए जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं तथा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आपदा के समय किस तरह अपना तथा दूसरों का बचाव करना है। उन्होंने बताया कि हर पंचायत से 15-15 सदस्यों की टीम बनाकर उनको आपदा की ट्रेनिंग दी जाएगी तथा आने वाले 2 महीनों के बाद बिलासपुर में आपदा से निपटने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा जिसमें आपदा से बचने के बारे में बताया जाएगा। घुमार में उपमंडल के तहत पड़ने वाली पंचायत कसारू के गांव कटलक में एक महिला ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। महिला की पहचान रामदेई पत्नी दिनेश कुमार, उम्र करीब 29 साल, गांव कटलक, तहसील घुमार में, जिला बिलासपुर है। महिला ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। महिला की शादी करीब 8 साल पहले हुई है तथा मायके जिला कुल्लू में है। मृतका ने अपने पीछे 2 बच्चों, एक लड़का व एक लड़की को छोड़ा है। मृतका का पति चालक है। घुमारनी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है तथा मायके वालों से संपर्क करने पर उन्हें भी बुलाया गया है। महिला के मायके वालों ने आरोप लगाया कि इसकी हत्या हुई है तथा इसका पोस्टमार्टम मंडी जिला के नीर चौक में करवाया जाएगा। परिजनों का आरोप है कि महिला का पति शराब का सेवन करने के बाद लड़ाई झगड़ा करता था। डीएसपी राजेंद्र कुमार जसवाल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि हर पहलू को ध्यान में रखकर छानबीन की जा रही है। जिला मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका है। सेना में विभिन्न पदों के लिए 1 से 6 नवंबर के बीच मंडी के पड्डल मैदान में खुली भर्ती होगी। भर्ती में केवल ऑनलाइन पंजीकरण करवाने वाले युवा ही भाग ले सकते हैं। पंजीकरण सेना की वेबसाइट पर 17 अक्टूबर तक पंजीकरण किया जा सकता है। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने भर्ती के आयोजन से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के लिए विभिन्न विभागों व सेना भर्ती कार्यालय मंडी के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को अपने अपने विभाग से जुड़े दायित्वों को गंभीरता से निवारण करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि जिन इच्छुक अभ्यर्थियों ने अभी तक भर्ती में भाग लेने के लिए पंजीकरण नहीं करवाया है, वे 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीकरण जरूर करवा लें। बैठक में सेना भर्ती कार्यालय मंडी के निदेशक कर्नल एम राजा राजन ने विस्तार से तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने प्रशासन से सहयोग का आग्रह करते हुए भर्ती के आयोजन को लेकर सेना भर्ती कार्यालय की आवश्यकताओं से अवगत करवाया। कर्नल एम राजा राजन ने बताया कि इस भर्ती में केवल सैनिक सामान्य ड्यूटी, जीडी सैनिक लिपिक, स्टोर कीपर, तकनीकी और सिपाही फार्मा पद ही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। सिपाही फार्मा के पद की भर्ती में कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति जिलों के युवाओं के अलावा जोनल भर्ती कार्यालय अम्बाला के तहत आने वाले हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के सभी जिलों के युवा भी भाग ले सकते हैं। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा है वे भी एक बार पुणे वेबसाइट पर अपने फॉर्म सबमिशन स्टेटस चेक कर लें। आवेदन फॉर्म में अपना सही ईमेल पता भरें क्योंकि एडमिट कार्ड आवेदन फॉर्म ईमेल पते पर भेजे जाएंगे।
अभ्यर्थी अपनी ईमेल आईडी से 20 अक्टूबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को 1 से 6 नवंबर के बीच जिला व तहसीलदार भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता जांच होगी, साथ ही उनकी मेडिकल जांच और प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। ग्राउंड पास करने वाले चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा 19 जनवरी 2020 को होगी। अधिक जानकारी के लिए सेना भर्ती कार्यालय मंडी के दूरभाष नंबर 01905222287 पर संपर्क किया जा सकता है। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा सहित विभिन्न विभागों व सेना भर्ती कार्यालय मंडी के अधिकारी मौजूद रहे।